नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों की मिलेगी खास सुविधा। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट भले ही जारी किया जा रहा हो, लेकिन ईवीएम को लेकर पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल होने वाला पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएगा। बिहार में जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक उसी तरह से पंचायत में भी राजनीति का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर अब तक जो बातें लोग घरों में कर रहे थे, अब चाय की दुकानों से लेकर शाम की बैठकों में भी होने लगा है। ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव अपने पूरे रंग में है। बस इंतजार तो है चुनाव के तारीखों के ऐलान का। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग चाह रही है कि चुनाव से जुड़े जितने भी कार्य हैं उसे समाप्त कर लिए जाए, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी फिर लोगों के मन में सिर्फ चुनाव ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नए अपडेट में पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर प्रखंडों में क्लस्टर बनाए जाने की बात कही गई है। प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे प्रखंड में कई स्थानों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। क्लस्टर के रूप में चिन्हित किए गए स्थानों पर निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि इससे संबंधित मतदान केंद्र पर 30 से 40 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके। इस क्लस्टर का उपयोग मतदान के दिन सुरक्षित ईवीएम को रखने के स्थान के रूप में किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को क्लस्टर निर्माण के निर्देश दिए हैं। क्लस्टर से संबद्ध मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में इसे बदला जा सकेगा। क्लस्टर में संबद्ध मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि इस स्थान पर मतदान दल, गश्ती सह संग्रह दल के पदाधिकारी, सुरक्षित ईवीएम दल तथा सुरक्षा कर्मी रात्रि विश्राम कर सके। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नाश्ता उपलब्ध हो सके। इधर आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि मतदान कर्मियों को मतदान के दिन क्लस्टर से सुबह 4 बजे से पहले वाहनों से मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा, ताकि मतदान प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय 7 बजे से मतदान शुरू किया जा सके। आयोग की माने तो गश्ती दल सह संग्रह पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा चिन्हित स्थल में ईवीएम लेकर क्लस्टर में रात में ठहरेंगे। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव दल के आधार पर नहीं होना है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक पार्टियों ने ऐलान किया था कि हम अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इस कड़ी में बीजेपी और राजद ने कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे और उनका प्रचार प्रसार भी पार्टी करेगी, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल के नाम या दल के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार किया गया तो उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे कि धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उससे विद्वेष की भावना पैदा होता हो। आयोग ने कहा है कि उपासना से किसी भी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिहार और इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।